카페한테 안 되지? 카페한테 안 되지? आज बताया कर्नाटक सबसे भ्रष्ट राज्य है इंडिया और हम झारखंड जम्मू कश्मीर तीन नंबर झारखंड सर यहाँ पे डिफरेंट अभी हलाली रोड के बारे में बताया गया हलाली रोड भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और बाकी ये सारी चीजें यहाँ पे वो दिखाया गया तो अगर ज्यादा तो हम लोग बॉर्डर को मतलब जैसे कि से शुरू किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इंडियन रेलवे तीनों ने भी साथ में इसमें जो चीज डेवलप किया है वो है विक्रम साराभाई सेंटर वहां पे है अपने अहमदाबाद उसके वहां से असिस्टेंट मेजर मिला है जिसकी वजह से सारा मॉडल वगैरह जो डेवलप किया है इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कल उन्हीं को संभालना है स्टेज नहीं दिया पा रहा दूसरी बात की वो तो हुआ हमारी भी क्या जिम्मेवारियां हैं वो आपको इसके बारे में जागरूक करना है आप देखिए इस चीज को समझें न सिर्फ बच्चों के लिए बाकी बड़े लोगों के लिए भी है बड़े लोग भी आकर देखिए ताकि जो कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं छोटा छोटा ही कंट्रीब्यूशन वो भी दिखाया गया इसमें कि कैसे आप स्विच ऑफ करके लाइट को या पानी बंद करके घर में या किस प्रकार के अप्लायंस यूज करके घर में आप बिजली बचा सकते हैं कम बिजली का उपयोग जो है कम बिजली का प्रोडक्शन उतना ही कम जो है क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ेगा कम कार्बन डाइऑक्साइड का और उतना ही ज्यादा हमारे क्लाइमेट की रक्षा होगी तो इन सब चीजों को दर्शाया गया है जागरूक होने की आवश्यकता है बहुत अच्छा है जो पहल है हर सरकार में सभी विभागों ये जो 9th फेज शुरू हुआ है ये 7 फरवरी से शुरू हुआ है सर 18 सितंबर तक चलेगा।